जय श्री कृष्ण। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ओम विष्णवे नमः। शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज की तारीख है 8 सितंबर 2024। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946। रवि देवता दक्षिणायन में है, शरद ऋतु चल रही है, महीना है भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष है, तिथि है पंचमी। पंचमी तिथि आज शाम को 7:59 तक रहेगी। आज का वार है रविवार। आज का नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:31 तक रहेगा। स्वाति नक्षत्र का वृक्ष है अजरून। आज का योग है इंद्र योग, जो रात्रि 12:05 तक रहेगा। आज का करण है बव करण। बव करण प्रातः 6:51 तक रहेगा। आज का बंबई का सूर्योदय है प्रातः 6:26 पर, और सूर्यास्त होगा शाम को 6:46 पर। आज का बंबई का चंद्रोदय रहेगा प्रातः 10:26 पर, और चंद्रास्त होगा रात्रि को 9:51 पर। आज पूरे दिन तुला का चंद्रमा रहेगा। तुला राशि का वृक्ष है अजरून। आज अभिजीत का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:11 से दोपहर 1 बजे तक, और राहु काल का समय रहेगा शाम को 5:14 से शाम को 6:46 तक। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। आज के व्रत और त्योहार। सबसे पहले हमें आज के जन्म नक्षत्र और राशि वालों को चाहिए कि अजरून नाम के वृक्ष की पूजा अर्चन करें। आज ऋषि पंचमी है, आज गुरु पंचमी भी है। बंगाल में आज रक्षा पंचमी के रूप में मनाते हैं, और कश्मीर में मेला पाट है। आज संवत्सरी पंचमी पक्ष जैन धर्म का है। आज के दिन जैन लोग समस्त जीवों से क्षमा मांगते हैं, क्षमा दिवस के रूप में मनाते हैं, और मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं। आज रवि योग दोपहर 3:31 से शुरू होगा। आज गर्ग अंगिरा ऋषि जयंती है, स्वामी शिवानंद जयंती है, और आज विश्व साक्षरता दिवस भी है। मुख्य जो है आज का त्योहार वह है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी मुख्य रूप से सप्त ऋषियों को समर्पित है। धार्मिक कथाओं के अनुसार वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये सप्त ऋषि है, और इनका पूजन किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान से मुक्ति मिलती है। इस दिन मुख्य जो भोजन है वह है मणसा। मणसा नामक जो है धान आता है, जिसे खड़ धान भी कहते हैं, अर्थात जो स्वतः खेतों में पैदा होता है। आज के दिन हल से जुते अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए इस प्रकार के खड़ धान, उसको कहते हैं मणसा नाम का धान आता है, उसका जो है भोजन किया जाता है, उसका हलवा बनाया जाता है, और भी कोई साम जो है अन्य प्रकार के भी पकवान बनाए जा सकते हैं। और जो ये नहीं जानते या इनको नहीं मिलता है तो मुरैया वगैरह को भी खाते हैं। आज जो है ऋषियों का तर्पण भी हमें करना चाहिए, और ऋषियों के सम्मान के लिए आज का दिन मुख्य रूप से मनाया जाता है। आज के दिन इतना ही। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।